The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Totally empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull. एक तरफ जान पर आफत, दूसरी तरफ मीटिंग कैंसिल ना करने का इतिहास। 40 सालों के इस इतिहास को जारी रखते हुए आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने इलाज टाल दिया और मीटिंग में शामिल हुए। ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी जान पर बनाई थी। आखिरकार वो इलाज के लिए तैयार हुए और अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी की। सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी तेज हो रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने सदगुरु से फोन पर बात की और उनके जल्द रिकवर की बात भी कही। अपोलो अस्पताल के डायरेक्टर मेडिकल सर्विस डॉक्टर विपिन पुरी की तरफ से सदगुरु की हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। बुलेटिन के मुताबिक वो लाइफ थ्रेटनिंग वाली हालत में पहुंच गए थे। यह स्थिति उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। उन्हें पिछले 4 हफ्ते से सिर में दर्द हो रहा था। दर्द के बाद भी उन्होंने अपना रूटीन का शेड्यूल जारी रखा, यहाँ तक कि मार्च में महाशिवरात्रि के समारोह में भी शामिल हुए। लेकिन 15 मार्च को उनका सिर दर्द बहुत सीवियर हो गया। इसके बाद उन्होंने अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी को दिखाने दोपहर 3:45 पर पहुंचे। डॉक्टर सूरी को सब ड्यूरल हेमेटोमा का संदेह हुआ। दोपहर 4:30 पर उनकी ब्रेन की MRI कराई गई। MRI जांच में पता चला कि उनके ब्रेन में मैसिव ब्लीडिंग हुई है। एविडेंस में पाया गया कि 3-4 हफ्ते से क्रॉनिक ब्लीडिंग हुई है और पिछले 24-48 घंटे में भी ब्लीडिंग हुई। इसके बाद उन्हें तुरंत एडमिट होने की सलाह दी गई। हालांकि उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उन्हें 15 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल होना था। उनका कहना था कि 40 साल में एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं की है। बेहद दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने मीटिंग पूरी की और इसके लिए पेन किलर्स भी लिया। 17 मार्च को उनकी परेशानी बढ़ गई। उनके बाएं पैर में कमजोरी और सिर दर्द के बाद वॉमिटिंग होने लगी। आखिरकार 17 मार्च को उन्हें एडमिट किया गया और तुरंत सर्जरी की सलाह दी गई। इस दौरान पाया गया कि उनकी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस तेजी से खराब हो रही थी। 17 मार्च को CT स्कैन किया गया, जिसमें ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ा हुआ पाया गया और ये जानलेवा भी साबित हो सकता था। अपोलो अस्पताल के डॉक्टर विनीत सूरी, डॉक्टर प्रणव कुमार, डॉक्टर सुधीर त्यागी और डॉक्टर एस चैटर्जी की टीम ने इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी की। सर्जरी के दौरान वहां जमा हुआ ब्लड रिमूव किया गया। डॉक्टर विनीत सूरी ने बताया कि उनकी रिकवरी बेहतर हो रही है, उनका ब्रेन, बॉडी और पैरामीटर बेहतर हो रहे हैं। डॉक्टर सूरी ने यह भी कहा कि इलाज के अलावा वो अपने आप भी बेहतर हो रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।